प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का पता जल्द ही बदल सकता है। 7RCR की जगह इस पते के 7 एकात्म मार्ग होने का प्रस्ताव आ गया है। 22 सितंबर गुरुवार को इस पर फैसला होने की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा आवास 7 रेसकोर्स रोड को छोड़कर कहीं और नहीं जा रहे हैं। इसकी जगह उनके घर की ओर जाने वाली सड़क का ही नाम बदलकर एकात्म मार्ग कर दिए जाने का प्रस्ताव है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस सड़क के नाम को बदले जाने की राह में कदम आगे बढ़ाया है। देश की राजधानी में कई हाई प्रोफाइल सड़कों के नाम बदलने की कवायद को जारी रखते हुए मीनाक्षी लेखी ने रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर एकात्म मार्ग किए जाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने 9 सितंबर 2016 को ये प्रस्ताव भेजा है और NDMC इस पर 22 सितंबर को बैठक करने वाला है। लेखी ने सरकार से सिफारिश की है कि रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर एकात्म मार्ग कर देना चाहिए, क्योंकि देश महान विचारक और शिक्षाविद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना रहा है। ऐसे अवसर पर राजधानी नई दिल्ली में रेस कोर्स रोड का नाम पंडित दीनदयाल के एकात्म मानववाद के दर्शन एवं सिद्धांत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। लेखी ने सरकार को भेजी सिफारिश में कनॉट प्लेस का नाम राजीव चौक और कनॉट सर्कस का नाम बदलकर इंदिरा चौक किए जाने का भी जिक्र किया है। उन्होंने ये भी दलील दी है कि देश के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास भी इसी रोड पर है। ये रेसकोर्स नाम देश की संस्कृति से मेल भी नहीं खाता। उन्होंने लिखा कि एकात्म मार्ग नाम होने से देश के भावी प्रधानमंत्रियों को भी ये नाम याद दिलाता रहेगा कि सरकार को समाज के अंतिम आदमी के लिए काम करना है। ऐसे में अगर नाम बदल गया तो रेस कोर्स की जगह मोदी जल्द ही एकात्म मार्ग पर निवास करेंगे।